हमारे मित्रों ने जो कि ये देहरादून में हैं, साइंटिस्ट हैं स्पेस डिपार्टमेंट में, तो इन्होंने कहा भाई चलिए देवी के दर्शन करने चलते हैं, नैना देवी के, हमें इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, विक्की एनटीएल वीडियोस में आपका स्वागत करता हूं और आ गया हूं ये स्नोव्यू रोड में। यहां पे मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है, तो यहीं से ब्लॉग की आज की शुरुआत कर रहा हूं। और ऊपर में एग्जाम थे तो वो स्टूडेंट हैं उनको लेने जा रहा हूं, तो पूछता हूं एग्जाम कैसा गया और थोड़ा बहुत। और टेम्परेचर की बात करें, धूप खिली है, बड़ी तेज है ऊपर में, इसलिए चश्मा भी लगाना पड़ रहा है। बाकी ले चलता हूं मैं आपको ऊपर की तरफ। और टेम्परेचर की बात करें तो अभी इस समय करंट टेम्परेचर 15 डिग्री यहाँ पे हो रहा है, काफ़ी गर्मी बढ़ गई है, आने वाले दिनों में लगता है कि 2-4 दिनों में 20 डिग्री तक पहुँच जाएगा। बाकी निकलते हैं आगे की तरफ। शुक्रवार का दिन है, माता रानी का दिन है, तो आज शाम को मैं माँ नैना देवी मंदिर भी आपको दिखाता हूँ और वीडियो का एंड वहीं करूँगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। ये बिल्डा में इनका बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है और फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ है, बता रहे हैं कि ये इंग्लिश का, तो कैसा गया आप लोगों का? हमारा बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया एग्जाम में, तो हमारे बहुत बढ़िया। जैसे कि आपके ब्लॉग हम पहले से देखते थे, लेकिन आज आपको पहली बार हमने अपने आंखों के आगे भी देख लिया सीधे सामने। तो भैया वो बिरला स्कूल कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत बढ़िया स्कूल है बिरला स्कूल, हमारे स्कूल भी बढ़िया है, बिरला भी बहुत बढ़िया स्कूल है। तो आप फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे? हाँ, फर्स्ट टाइम आए हम यहाँ पे बिरला स्कूल पे, तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा और बाकी आपसे मिल गए तो एक्सपीरियंस और बढ़िया हो गया। पेपर भी हमारा बहुत बढ़िया चल गया। चलिए आज आप हमारे साथ आने का आपको भी मौका मिला और मैं मिल भी गया आपको, और ऐसी है, चलिए माता रानी का आशीर्वाद आप सभी में बने रहे और आपका एग्जाम ऐसे सफल हो और आप लोग बड़े होके अच्छे अफसर बने, और मेरा तो यही है। और जय माता दी। दोस्तों पहुंच गया हूं माँ नैना देवी मंदिर, तो शाम का समय है, आरती होने वाली है थोड़ी देर में, अभी 6 बज रहे हैं, तो 6:30 बजे अभी आरती होगी माता की, तो आरती मेरे चैनल में आप देख सकते हैं। और श्रद्धालुगण कितने आए हुए हैं वो दिखाता हूँ, काफ़ी दिनों बाद माता की माता ने बुलाया है, अंदर से आवाज़ आई, तो मैंने कहा शुक्रवार का दिन है, माँ नैना देवी का ही दिन है, माता रानी का ही दिन है, तो मैंने कहा आ जाता हूँ, तो ले चलता हूँ मैं उधर की तरफ, आपको दिखाता हूँ कितने श्रद्धालुगण आए हुए हैं, और कोई कैमरे में आना चाहते हैं तो उनसे भी मिलाता हूँ आपको, तो ऐसे ही देखते रहिए। प्रसाद ले सकते हैं माँ नैना देवी का यहाँ पर। और सामने देखिए ये दुकान भी बन चुकी है, अब यहाँ काम चल रहा था कुछ दिनों पहले, तो ये रहा मंदिर। सबसे पहले गेट के पास यहाँ पे नल वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे हैंड वॉश कर सकते हैं, उसके बाद हनुमान जी का फर्स्ट मंदिर पड़ेगा आपको, तो यहीं से आपको आगे को जाना है। और ये मेन रहा माँ नैना देवी मंदिर, आगे जाते हैं भैरव मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, संतोषी माता मंदिर है, और फिर उसके बाद विष्णु अवतार है। ये देखिए यहाँ पे आप लोग शूज वगैरह उतार के आराम से बैग वगैरह भी रख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आगे को निकलिए, और सामने झील का नज़ारा है, तो वहाँ से आप लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। मेन मंदिर में कृपया ना करें, कैमरा वगैरह लेके यहाँ पे डिस्टर्ब होता है। देखिए सारे श्रद्धालुगण आए हुए हैं शाम के समय में। देखिए दोस्तों आज का तिथि बार लिखा हुआ है यहाँ पे, ये स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं आप। और माँ नैना देवी की आरती का समय थोड़ा चेंज हुआ है, तो ये देख सकते हैं सामने, शाम का 6:30 के बजाय 6:40 में है और सुबह में 5:30 है। और श्रद्धालुओं की बात करें, देखिए यहाँ पे श्रद्धालुगण काफ़ी दूर दूर से टूरिस्ट आए हुए हैं, तो शुक्रवार का दिन है, माँ नैना देवी का ही दिन है, माता रानी का दिन है, सारी माताएं सभी एक ही होती हैं, तो अलग अलग स्वरूप हैं, रूप हैं, तो माँ नैना देवी मंदिर में आके दिल पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। और एक अलग ही यहाँ पे मंदिर के अंदर एहसास है, आप आके देखिए, कभी आते हैं नैनीताल तो माँ नैना देवी मंदिर जरूर आइए आप लोग। और देखिए आज के डेट में देखिए कितने श्रद्धालुगण आए हैं, देखिए अभी थोड़ी देर में ही आरती होने वाली है, अगर आरती देखना चाहते हैं, माँ की स्तुति देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में आप देख सकते हैं, तो उसमें ज़रूर देखिएगा माँ की आरती और माँ की स्तुति। और दिखाता हूँ मैं आपको झील की तरफ का व्यू थोड़ा बहुत, देखिए नैनी झील का व्यू, और ये बोटिंग से आ रहे हैं धीरे धीरे, और सामने देखिए काफ़ी नौकाएं दिख रही हैं 2-4-5, और इधर की तरफ देखा जाए तो यहाँ भी नौकाएं काफ़ी हैं, तो जैसे ही अंधेरा होता है तो यहाँ पे नाव बंद हो जाती है, क्योंकि रात में यहाँ पे अलाउ नहीं है नैनीताल में बोटिंग,
तो अगर आपने करना है तो अंधेरे से पहले ही कर लीजिए, ताकि ये सामने देखिए बोर्ड स्टैंड में भी काफ़ी टूरिस्ट है, और माँ के मंदिर में तो आपको पता ही है। और मछलियों की बात करें, देखिए शाम के टाइम पे भी मछलियाँ दिखाई दे रही हैं, देखिएगा काफ़ी मछलियाँ हैं। और देखिए श्रद्धालुगण आए हुए हैं और पूरा आनंद ले रहे हैं, देखिए ऊपर का व्यू काफ़ी शानदार व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। तो माँ नैना देवी मंदिर से आप लोग ये किनारे से फोटोग्राफी करिए, वीडियोग्राफी करिए, बाकी मेन मंदिर में कैमरा लेके वहाँ पे डिस्टर्बिंग होती है, तो वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। तो आप लोग इधर से ही बोटिंग स्टैंड है, वहाँ से भी आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और मंदिर के इधर झील के किनारे की तरफ जो है यहाँ पे से, तो यहाँ पे भी बढ़िया रहता है, तो यहाँ पे भी से भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए भीड़ कितनी है, चल लोग आए हैं यहाँ पे, तो पूछते हैं देहरादून से भी हैं और दिल्ली से भी हैं, पूछते हैं नैना देवी और माँ नैना देवी नैनीताल और यहाँ पे आके कैसा लग रहा है आपको और कितने बार आ चुके हैं आप लोग? मैं तो यहाँ पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से आ रहा हूँ और साल में 4-4 बार भी आता हूँ, तो इस मंदिर की माता की कृपा है। तो और यहाँ आता हूँ, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर देता हूँ और ATI जो है नैनीताल है वहाँ पे भी लेक्चर देता हूँ, और आज भी मैं लेक्चर देने आया था। तो हम लोगों ने, हमारे मित्रों ने जो कि ये देहरादून में हैं, साइंटिस्ट हैं स्पेस डिपार्टमेंट में, तो इन्होंने कहा भाई चलिए देवी के दर्शन करने चलते हैं, नैना देवी के, हमने इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो हम यहाँ आए हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर, जो व्यू है लेक का, लेक में जो मछलियाँ हैं जिस तरह से पाली गई हैं वो बहुत अच्छा है, और ये जो बाजू की ठंडी सड़क है और मॉल रोड जो दिख रहा है, ये नज़ारा अपने आप में ही बहुत बेहतरीन नज़ारा है। और इस चीज़ को मैं कभी चूकना नहीं चाहता हूँ, हमेशा जब भी आता हूँ नैनीताल में तो यहाँ ज़रूर आता हूँ, और यहाँ का बैठ के बहुत शांति मिलती है और बहुत अच्छा। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे माता के मंदिर में? पहले तो माँ नैना देवी की कृपा है कि हम यहाँ आए हैं, बहुत टाइम बाद में आया हूँ, और पहाड़ों में आने का एक अपना मज़ा है, क्योंकि पहाड़ में आके जो आसमान आपको साफ मिलता है वो आपको प्लेन्स में नहीं मिलेगा। जो अभी कुछ टाइम पहले आपको शायद कैप्चर नहीं कर पाएंगे, हमने सिरस क्लाउड देखे हैं बादल, और सर हमारे एटमोसफेयर फिजिक्स के वो हैं स्पेशलिस्ट हैं, तो बहुत सुंदर नज़ारा था सिरस क्लाउड्स का, और क्लाउड फिजिक्स बाद में बताएंगे, बट पहाड़ों में जो आसमान साफ दिखता है और जो आपको जो डिफरेंट स्टार्स देखने को मिलते हैं, और इसलिए लोग लद्दाख जाते हैं, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं आसमान देखने के लिए, तो वो यहाँ पर एक नज़ारा मिलता है। प्लस जो आपकी झील, बहुत ही अच्छी झील है, इसका अपना एक पौराणिक महत्व भी है और सौंदर्य तो है ही है, और ये अंग्रेज़ों की बसाई नगरी है तो इसका लुत्फ है। और हम आज किसी विशेष पर्पज़ से आए थे, लेक्चर पर्पज़ देने के लिए यहाँ पर ATI में आए थे, और आपसे मुलाकात भी, और बहुत ही अच्छा यहाँ का वातावरण माहौल, और जिस तरीके से बसावट है शहर की, इसको बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ के लोगों से, इसको ऐसे प्रिजर्व रखें और इसको संरक्षण करें, ताकि ये शहर आपका बना रहे और पानी का लेवल बना रहे और मां की कृपा बनी रहे। थैंक यू सो मच, आपने कितनी अच्छी बात बताई। और यहाँ के वेदर के लिए, वैसे तो वेदर यहाँ बड़ा अच्छा होता है, और विंटर में स्नोफॉल हो जाती है, बारिश हो जाती है, जो कि बागवानी के लिए भी अच्छी होती है। पर इस साल क्या हुआ कि जो पश्चिमी विक्षोभ जिसके चलते मतलब आपकी बदली आती है, वर्षा होती है, स्नोफॉल होता है, वो इस बार नहीं हो पाया, और तापमान इसलिए इस बार काफ़ी बढ़ गए। हालांकि 2 दिन पहले थोड़ा सा ओलावृष्टि और थोड़ी वर्षा हुई थी चुटपुट जगहों पर, उससे हालांकि तापमान में अभी थोड़ी कमी आई है, मगर हाँ ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, इस बार बर्फबारी और वर्षा इस विंटर सीजन में कम हुई है उत्तराखंड में, और खासकर नैनीताल इस एरिया। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी बात बताई। तो दोस्तों ऐसे ही चैनल में देखते रहिए। तो दोस्तों अभी माता की आरती संपन्न हुई है, तो सामने माता की आरती सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, सामने देखिए कितने श्रद्धालुगण आए हुए हैं। आज तो शुक्रवार का दिन है, तो माता का ही दिन है, तो काफ़ी दूर दूर से लोग पहुंच गए हैं, और थोड़ी ही देर में अभी माँ की स्तुति होगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में माँ का आरती भी है और माँ की स्तुति भी है, तो आप लोग देख सकते हैं Vicky NTL में। जय जय माँ की स्तुति चल रही है अभी, और वीडियो करते हैं एंड। तो मिलते हैं और अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
तो गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।